नहीं लड़ेंगे खुशी से, हाथ लेंगे खुशी से। अभी तो नहीं अगड़ाई है, और उल्टा दूसरी तरफ गुड़गांव में इन कर्मचारियों का
शोषण करते हुए जो पहले से शोषित थे उनको और ज्यादा शोषण करने के लिए छोड़ दिया गया। इसलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और साथियों, यहां का निगम प्रशासन अड़ियल रवैया अपनाते हुए जो मानवता की सारी हदें पार करते हुए दिवाली जैसे पर्व पर भी जो पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, इन सफाई कर्मचारियों को पहले दिवाली मनाने पर भी होगा। ये प्रशासन लगातार कर्मचारियों के नोटिस निकाल रहा है, कभी हटाने का नोटिस निकाल रहा है, कभी एसआई नोटिस निकाल रहा है, कभी कार बताओ नोटिस निकाल रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे नोटिस और ऐसी एसमा हमने बहुत देखी, ऐसी तो आई और गई। हम बिल्कुल डरने वाले नहीं है। ये बात हम आज यहाँ खुले चैलेंज के साथ कहते हैं, तू तनी बेच के कागज निकाल दे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हम जब तक यहाँ बैठे हैं, जब तक हमारी मांगे एक एक कर्मचारी जो यहाँ पर मौजूद है उन सभी को ड्यूटी पर ला लिया जाएगा, तब तक ये हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। संख्या थोड़ी कम होती जा रही है, हमें पता है दीवार का सीजन है इसलिए कम हो रही है, लेकिन हमें यह भी उम्मीद है कि कल के बाद यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होगी। सभी कर्मचारी अपनी ईमानदारी के साथ इस लड़ाई में लड़े, कोई दो राय नहीं है। आप भ्रमित ना हो कि वहां काम चल रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। शहर साफ जब तक नहीं होगा तब तक आप काम पर नहीं लौटेंगे। आपके द्वारा कोई शहर को काम भी नहीं कर सकता, हम ये कहना चाह रहे हैं। जैसे है ना, हमारी वाल्मीकि टोम को शेर टोम कही जाती है, वो इसीलिए कही जाती है कि हर परिस्थिति में ये लड़ना जानती है, हर परिस्थिति को मुस्कुरा कर स्वीकार करती है। कोरोना जैसी महामारी हो, कोई भी महामारी हो, हमने हंस करके लड़कर उस बीमारी को भी भगाया। और आज ये बीमारी प्रशासन ने जो पैदा किया ना, वर्कआउट सोर्स का ठेका देकर अब इस बीमारी को भी भगा देगा, हम ये कहना चाह रहे हैं।